बल्लभ कॉलेज मंडी का वार्षिक पारितोषण वितरण समारोह 21 मार्च को आयोजित किया जाएगा। कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर आई डी शर्मा ने बताया कि कॉलेज में वार्षिक समारोह की तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने बताया कि समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे, वहीं ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। शर्मा ने कहा कि हमारे कॉलेज के लिए ये बड़े गौरव की बात है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इसी कॉलेज के छात्र रहे हैं और उन्होंने 1987 में कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी। शर्मा ने बताया कि समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा होनहार छात्रों को सम्मानित किया जाएगा, वहीं प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जाएंगी। उन्होंने बताया कि कॉलेज के आधारभूत ढांचे को और विकसित करने के लिए जो प्रस्ताव तैयार किया गया है उसे मुख्यमंत्री के समक्ष पेश भी किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वल्लभ कॉलेज के छात्र रहे हैं और उन्होंने 1987 में कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वल्लभ कॉलेज में 21 मार्च को आयोजित होने वाले वार्षिक पारितोषित वितरण समारोह में शिरकत करेंगे और होनहार छात्रों को सम्मानित भी करेंगे। 21 मार्च 2018 को वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी का एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होना निर्धारित हुआ है, जिसमें हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी इसके मुख्य अतिथि होंगे और श्री अनिल शर्मा जी इसके गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। और इसमें जो हमारे होनहार विद्यार्थी हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, कल्चरल एक्टिविटीज में जिन्होंने काफी प्रोमिनेंट पोजिशंस हासिल की हैं, तो उन्हें सम्मानित किया जाए। उसके अलावा कुछ एक जो स्कॉलरशिप्स हैं जो स्पॉन्सर्ड भी होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी होते हैं, वो भी इसमें प्रदान की जाएंगी। और इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो हमारे इसी महाविद्यालय के स्टूडेंट रहे हैं, 87 में उन्होंने ग्रेजुएशन किया इस महाविद्यालय से, तो वो भी आएंगे, कुछ अपनी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे और कुछ महाविद्यालय के जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं उसको भी हम प्रमोट करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। और जो हमारी कुछ एक प्रपोजल्स हैं, जैसे एक नया भवन बनना है और स्टाफ क्वार्टर्स रेजिडेंशियल एक बिल्डिंग बननी है, तो उसकी भी हमने प्रपोजल्स बनाई है। और एनुअल फंक्शन वाले दिन इस बार हम अभूतपूर्व इसके इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे एक यहाँ उत्सव का माहौल है, क्योंकि हमारे पूर्व छात्र ही हमारे इस बार सीएम हैं और सभी की काफी उम्मीदें हैं कि माननीय मुख्यमंत्री कुछ हो सकता है कुछ बड़ी घोषणा करें।